कि आपको पता है गाइस, जो अपने फ्री फायर में जो आज के टाइम पे अगर हमें कोई रेयर आइटम मिलता है तो हमें एक कॉन्ग्रेचुलेशन करके एक सिंबल दिखता है और उसके बाद अपना मोबाइल वाइब्रेट होता है और वो हमें रेयर आइटम मिल जाती है। बट गाइस, इससे पहले जब एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा गाइस, ये कॉन्ग्रेचुलेशन पहले नहीं था। पहले एक वर्ड हुआ करता था गॉट ए रेयर आइटम करके, तो गाइस वो क्यों हटा दिया गया और कॉन्ग्रेचुलेशन उसकी जगह पे क्यों आया, वो फैक्ट आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फैक्ट जानने के लिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। तो गाइस यार, मैं पहले बता दूँ, चलते शुरू करते। तो गाइस इसके पीछे का फैक्ट ये है कि गाइस वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था गॉट ए रेयर आइटम का ये सीन, और शुरुआत से जब फ्री फायर जब से था तब से वो चलता आ रहा था। इसलिए गाइस गैरिना ने उसे चेंज करने का फैसला कर लिया और उसके बाद गैरिना ने उसे एक कॉन्ग्रेचुलेशन में बदला और अभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा है एंड इन फ्यूचर इसे चेंज भी कर दिया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि यार प्लेयर को मज़ा आना चाहिए, बस किस तरह भी नई तरीके के लुक दिखाया, नई ग्राफिक्स दिखाई प्लेयर्स को ताकि वो अट्रैक्ट हो सके, वो भी जो नए प्लेयर आए उन्हें भी मज़ा आए और उन्हें लगे फ्री फायर बदल गया है। इसलिए गाइस यार फ्री फायर में ऐसे चेंजेस लाए गए और आते रहेंगे गाइस इस तरह के चेंजेस। तो गाइस यार वीडियो यहीं तक था, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके।